गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी लर्न अबाउट एक्सरसाइज 9। पिछले जो वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9 के बारे में एक्सप्लेन किए थे, आज जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। वी नो दैट इन ए मल्टीप्लिकेशन सम द नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट एंड द नंबर बाय विच बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सम में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जहाँ करते हैं, गुणा जहाँ करते हैं, उसमें जिस नंबर में गुणा करते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं और जिस नंबर से गुणा करते हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लायर क्या होता है? जिससे गुणा किया जाता है उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है और जिसमें गुणा किया जाता है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। तो आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में दो पार्ट्स हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेंट और एक होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं और जिससे मल्टीप्लिकेशन करना है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एंड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। देखें एग्जाम्पल, इन 125 मल्टीप्लाइड बाय 3, 125 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और कैरी 1 7 और 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 375। वी हैव, इसमें जो है मल्टीप्लिकेंट कौन है? 125। तो मल्टीप्लिकेंट है 125, मल्टीप्लायर है 3। इसमें मल्टीप्लायर कौन सा है? 3। और जो ये आपका आया है 375, यह क्या है? आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं यह आपका 125 क्या है? मल्टीप्लिकेंट है। 3 जो है इसे मल्टीप्लायर कहते हैं और यह जो रिजल्ट आया इसे प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ वी रिकॉल द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, तो आइए देखते हैं ध्यान से प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी आप देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यह मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। ठीक है, तो दो नंबर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे चेंज नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो ऑर्डर्स होते हैं मल्टीप्लाई के वे चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, थस 63 मल्टीप्लाई बाई 27, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 63 को बाद में लिख सकते हैं, 27 को पहले लिख सकते हैं। तो 20 इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 63। ठीक है, तो यह जो आपका नंबर है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन नंबर को आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखें 137 मल्टीप्लाई बाई 125, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। 125 को पहले लिख सकते हैं और 137 को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह इसे कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है आपका प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर डज नॉट चेंज। थ्री नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वह चेंज नहीं होते हैं व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज्ड। ठीक है, जब नंबर की ग्रुपिंग को चेंज किया जाता है तो थ्री नंबर्स के प्रोडक्ट जो हैं चेंज नहीं होते हैं। दस इस प्रकार यहाँ देखिए ध्यान से, 15 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इन ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई बाई 17। यहाँ देख रहे हैं आप 15 जो है वो मल्टीप्लाई है इन ब्रैकेट में 16 मल्टीप्लाई बाई 17। तो इसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में,
15 को जो है 16 के साथ कर दिए और 17 को बाहर कर दिए। तो यह हो गया आपका इन ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा थ्री नंबर्स के, वो चेंज नहीं होंगे। इनके ग्रुप को आप चेंज कर सकते हैं जिससे प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह इसमें देखें 125 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 240 मल्टीप्लाई 265 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हो 125 इन ब्रैकेट 125 मल्टीप्लाई 240 इन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 265, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। इसे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें थ्री नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट चेंज नहीं होते हैं। थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया जाएगा जिसमें एडिशन है। वी हैव 23 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 100 प्लस 25 इक्वल टू, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 100 इन ब्रैकेट फिर प्लस 23 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। एक और देखते हैं 130 मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट 145 प्लस 245 इन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 130 मल्टीप्लाई बाई 140 इन ब्रैकेट प्लस 130 मल्टीप्लाई बाई 245 इन ब्रैकेट क्लोज। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसमें एडिशन साइन है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इनके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, एनी नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वन द नंबर इट सेल्फ। किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, वही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। दस इस प्रकार 536 मल्टीप्लाई बाई वन, तो 536 वही नंबर प्राप्त होगा। सेम उसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं दिस नंबर मल्टीप्लाई बाई वन तो फाउंड दिस नंबर। तो किसी भी गिवन नंबर्स में वन का मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिलता है। ये आपका है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर 4। और 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपने 5 प्रॉपर्टी देखा मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट था आर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड आपने देखा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फोर्थ है आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, और लास्ट फिफ्थ में आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100 and 1000, ठीक है। इसका रूल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जितना आपको बताया गया उसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।